ये देखिए पटरी बिछाने के लिए जो है पत्थर देखिए पूरा एकदम गिरा दिया गया है ना, रेलगाड़ी बुझिए चलने लगेगा भाई। देखिए ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये हो गया प्लेटफॉर्म भाई, ये त्रिवेणीगंज स्टेशन का टिकट काउंटर भाई। ये जो 2 मंजिला घर था, कितना नुकसान हुआ भाई, लेकिन इन लोगों को जो है भाई कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और भाई देख सकते हैं भाई यहाँ पे जो है अभी काम जो है जोर शोर से चल रहा है। हाँ जी नमस्कार, क्या हाल चाल, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। सो देखिए भाई आज का वीडियो जो होने वाला है कोई ट्रेवलिंग वीडियो नहीं होने वाला है, आज का वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है भाई। सो देखिए अभी हम आए हुए हैं त्रिवेणीगंज प्रखंड के लतोना पंचायत में। सो भाई देखिए यहाँ पर रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा है, अभी कितना कार्य हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, अपडेट देंगे, ताज़ा अपडेट। यहाँ पर जो है पुल का निर्माण होगा कोई बड़ा सा, इसी कारण देखिए अभी यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए इस तरफ का बोल रहा है यहाँ का लोकल आदमी के, यहाँ पर भी एक स्टेशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल तो यहाँ पे काम अभी नहीं चल रहा है, लेकिन इधर अभी आपको हम लिए चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम चालू है भाई। सो कितना काम हुआ है, कब तक हो जाएगा ये पूरा बन के तैयार ये त्रिवेणीगंज रेल लाइन, सो पूरा अपडेट देंगे इस वीडियो में। सो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर। और भाई ये देखिए पटरी बिछाने के लिए जो है पत्थर देखिए पूरा एकदम गिरा दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो है अभी पिपरा से देखिए बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए अभी यहीं तक बिछाया जहां से आपको हम दिखा रहे हैं। और फिलहाल देखिए मतलब काम इतना जल्दी चल रहा है कि लगता है 2025 आते आते इस पर जो है ना रेलगाड़ी बुझिए चलने लगेगा भाई। सो देखिए अभी आपको नीचे जाकर दिखाएंगे ये जो जंक्शन बनेंगे उसका व्यू, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो भाई देखिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम जो है काफ़ी तेज़ी से अभी यहाँ चल रहा है, जो कि पीछे देखिए जेसीबी अपना काम कर रही है। और इधर देखिए यहाँ तक अभी जो है पत्थर गिरा चुकी है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ तक इधर भी अभी गिराएंगी। और देखिए इस तरफ से आप त्रिवेणीगंज मार्केट चले जाइएगा। सो भाई देखिए ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये हो गया प्लेटफॉर्म भाई, यही प्लेटफॉर्म रहेगा, यहाँ उधर से शुरू होगा, उधर से देखिए वो जो लास्ट है वहाँ से शुरू होगा भाई। और इधर जो भाई आपको अभी हम दिखाए हैं इधर लास्ट तक प्लेटफॉर्म होंगे। और यहाँ पर टिकट काउंटर कहाँ रहने वाले हैं, जो कि देखिए ये भाई साहब अभी बताए हैं, ये भी आपको हम चलिए दिखाते हैं। अभी वो इसे बना तो नहीं है लेकिन उस पर मिट्टी अभी गिरा हुआ है, सो चलिए अभी दिखाते हैं वहाँ पर टिकट काउंटर रहेगा। और ये भाई ये जो आप देख रहे हैं नीचे में खाली ज़मीन, इस पर प्लेटफॉर्म रहेंगे भाई। सो भाई ये जो आप देख रहे हैं अभी नीचे में देखिए बन रहा है, अभी वर्षा कारण देखिए रोक दिया गया, क्योंकि देखिए अभी पानी भी भर चुका है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको हो गया भाई टिकट घर, त्रिवेणीगंज का जो टिकट कलेक्शन होगा यहाँ पे रेलवे लाइन में, वही हो गया यहाँ पे त्रिवेणीगंज स्टेशन का टिकट काउंटर भाई। ये जो आप मिट्टी भरा हुआ देख रहे हैं यही हो गया, देखिए अभी काम इसमें चल रहा है, फिलहाल पानी के कारण देखिए अभी रोक दिया गया, वर्षा के बाद फिर चालू होगा। सो देखिए ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये टिकट घर हो गया, जो कि भाई देखिए यहाँ पे जो काम कर रहे थे जो रेलवे लाइन का कर्मचारी है, सो भाई उन्होंने ही बताया, अभी तो हमको मालूम वैसे नहीं था, लेकिन ये भाई लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं यही बताया। तो हम तो सोच रहे थे कि उधर स्टेशन बनेंगे आगे चल के। सो देखिए ये भाई सब बेगूसराय से होंगे, ये सब जितना देख रहे हैं, तो इसमें अभी सब बेगूसराय से हैं कि अलग अलग जगह से? कंपनी है हमारा बेगूसराय का। तो इधर मतलब स्टेशन कहाँ कहाँ बनेगा इस तरफ? स्टेशन अभी ये स्टेशन अपना ये हो गया, एक तो इधर पिपरा हो गया, पिपरा एक रहेगा, हाँ थुमा हो गया, 25 अपना ट्रेन का जो माल गाड़ी है, हाँ वो उसका टाइम है, मतलब इसी कारण ये पत्थर वगैरह अभी दे दिया गया है। और भाई ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर जो IR लिखा हुआ है जहाँ तक देखिए इधर इधर गड़ा हुआ वहाँ तक भाई हो गया इंडियन रेलवे का जमीन भाई। देखिए यहाँ से आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये पिलर जो आप देख रहे हैं, ये पिलर के अंदर अगर जितना भी घर आएगा भाई, जितना भी आप इधर देख रहे हैं सबको भाई सरकार के अंदर आ जाएगा भाई, जो कि भाई घर का मुआवजा भी नहीं मिला है उन लोगों का, ज़मीन का तो छोड़िए दीजिए, घर जो टूटा है, घर टूटा जो है देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको, चलिए वहाँ जाकर दिखाएंगे घर जो अभी धूप का सैनिंग तरफ से आ रहा, घर जो टूटा है भाई उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया इन लोगों को। और भाई देखिए अभी फिलहाल इधर से आए हैं भाई, और देखिए इस तरफ आपको हम दिखाते हैं भाई, ये हो गया भाई, ये अंदर से भाई जाएंगे, इसके ऊपर हो गया रेलवे जाएंगे भाई। और घर देखिए भाई कितना घर जो है भाई तोड़ दिया गया है, 2 मंजिला हो, और इस तरफ देखिए भाई कितना नुकसान हुआ है भाई, लेकिन इन लोगों को जो है भाई कोई मुआवजा नहीं दिया गया है भाई, ज़मीन का पैसा का बात छोड़िए दीजिए भाई, लेकिन देखिए ऐसा ऐसा घर तोड़ा गया है भाई, जो सोच सकते हैं इन लोगों को दुख दर्द। सो भाई देखिए यह सब जितना है
ये सब रेलवे के अंदर आ गया भाई। वो जो पिलर गड़ा हुआ है उधर देख सकते हैं आप, वो जो पिलर गड़ा हुआ है वो सब देखिए जितना ये सब उसके अंदर भाई आते हैं। और इसके अंदर जो भी घर देखिए भाई पड़ा है सब तोड़ दिया गया है भाई पूरा। ये देखिए दो मंजिला घर था, इतना अच्छा इसको देखिए पूरा खंडहर बना दिया गया है। लेकिन भाई मुआवजा किसी को नहीं मिला है भाई, क्योंकि ये जो भूमि अधिग्रहण है भाई वो सरकार के अंदर चले गया। सो भाई जितना भी घर टूटा है ये देख रहे हैं आप, जितना भी ये पीछे भी आप देख रहे होंगे भाई, देखिए पहले ये ज़मीन जितना था सर्वे हुआ उसमें सब ज़मीन को भाई कोर्ट में केस किया, और कोर्ट में जो है भाई ये सभी ज़मीन को कानूनी तौर पे सरकारी बनाया गया भाई। उसके बाद भाई सरकारी ज़मीन हो गया तो आपको रुपया कहाँ से मिलेगा, तो उस ज़मीन तो वैसे ही आपका चले गया। लेकिन आपका जो घर बना था इसके अंदर जो ये टूटा हुआ इसका भी मुआवजा नहीं दिया भाई, जो कि देना चाहिए था भाई। सरकारी ज़मीन ले लिया कोई बात नहीं, तो उससे आप सोचिए कि रेलवे लाइन जो आया है ये त्रिवेणीगंज का, तो भाई ये लोग जो है यहाँ का खुशी मनाए कि दुख मनाए अपना घर टूट जाने का भाई। तो आप कमेंट में भाई बताइए ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भाई ये देखिए अभी जो ये आपको NH टाइप का लग रहा है इस पर ही अभी पत्थर गिराया जाएगा, अभी काम उधर ही चल रहा है जो आपको पहले हम वीडियो में दिखाया उधर काम चल रहा है। लेकिन इधर देखिए आपको एकदम हाईवे लग रहा होगा अभी, लेकिन इस पर अभी काम जो है भाई पूरा युद्ध स्तर पर चल रहा है भाई। और व्यू देखिए कितना मस्त आ रहा है भाई अभी दिखने में, जब चलने लगेगा तो और मस्त लगेगा। और भाई देख सकते हैं भाई यहाँ पे जो है अभी काम जो है जोर शोर से चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग अभी देखिए इस तरफ तो हो गया है भाई, लेकिन इस तरफ देखिए अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन। सो भाई यही कुछ अपडेट हुआ, अभी देखिए काम जो है काफ़ी जोर शोर से चल रहा है फिलहाल। और ये जो रेलवे लाइन है ये 2025 तक जो भाई ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन ये पैसेंजर के लिए अभी ओपन होगा 25 तक की नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई मालगाड़ी जो है 2025 तक जो है इस पर दौड़ने लगेगी भाई, जो कि अभी वो अपडेट में है भाई, हो भी सकता है नहीं भी 25 तक हो सकता है, 25 टाइमिंग है भाई। लेकिन ये ज़्यादा दिन भी बढ़ सकता है भाई, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए अभी फिलहाल जो है काम जो है आपको दिखाए अपडेट दिए ताज़ा कि काम अभी चल रहा है काफ़ी तेज़ी से भाई। बाकी वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में बताइए, और उन लोगों के बारे में भी बताइए जिसका घर टूटा है भाई ये रेलवे लाइन आने से भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, गुड बाय, जय हिंद।